वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 5 ईवीएस, वी डू पार्ट 8. इन द प्रीवियस पार्ट वी गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अवर स्टमच. नाउ थिंक एंड डिस्कस. आपको सोचना है और डिस्कस करना है. व्हाट यू वांट टू थिंक एंड डिस्कस? इमेजिन इफ यू हैड बीन इन अ प्लेस ऑफ डॉक्टर ब्यूमोंट. सोचो कि आप डॉक्टर ब्यूमोंट की जगह पर हो. What experiment would you have to done find out the secret of your stomach? तो आप ऐसे कैसे एक्सपेरिमेंट करोगे, यानी कि ऐसे कैसे प्रयोग करोगे जो हमारे स्टमक के बारे में जो सीक्रेट्स है ना वो पता चले. ऐसे कैसे सीक्रेट्स आप डॉक्टर ब्यूमोंट की तरह आप सीक्रेट को पता लगा सकते हो. वो एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे, क्या करोगे, वो आपको यहाँ पर लिखना है. राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट. वो एक्सपेरिमेंट सारे जैसे कि हमने टेबल्स देखा था ना डॉक्टर ब्यूमोंट का, इस तरीके से आप भी जो जो आप उससे एक्सपेरिमेंट करके जानते हो, कुछ पता लगाते हो, तो उसका आप क्या करोगे, टेबल बनाओगे, वो लिखोगे. आप ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करना है. आपको ये चीज़ आपको अपने आप से करना है, ठीक है? इट्स डू बाय योर सेल्फ. नाउ गुड फूड गुड हेल्थ. अगर हम अच्छा फूड खाएंगे तो हमारी हेल्थ भी कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी. यस और नो? अ गुड फूड एंड गुड हेल्थ. सो लेट्स सी. डॉक्टर रूता हैज टू पेशेंट्स. डॉक्टर रूता के पास टू पेशेंट्स आते हैं. पेशेंट्स आने की दर्दी रश्मि एंड जयेश. उनका नेम है रश्मि एंड जयेश. डॉक्टर रूता टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम. तो डॉक्टर रूता जो है ना वो उसके साथ बातचीत करती है उसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए. रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड. तो यहाँ पर पढ़ना है कि डॉक्टर ने क्या पाया. यू कैन सी हियर रश्मि इज 5 ईयर ओल्ड एंड जयेश इज 7 ईयर ओल्ड. सो लेट्स फर्स्ट रीड अबाउट रश्मि. रश्मि इज 5 ईयर ओल्ड. वो 5 साल की है. सी लुक अबाउट 3 ईयर ओल्ड. पर वो 3 साल की ही होना ऐसी लग रही है. सी हैज वेरी थीन आर्म एंड लेग एंड अ पॉट बेली लाइक अ स्टमच लाइक अ बलून. स्टमच लाइक अ बलून यानी कि उनके जो आर्म्स है ना वो बहुत ही आर्म्स एंड लेग्स है ना वो बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही थीन है, पतले हैं. पर उसका जो स्टमच है ना वो बलून की तरह क्या हो जाता, बड़ा सा दिखता है. सी ऑफन फॉल सिक और वो बीमार पड़ती रहती है. सी ऑलवेज फील टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली. वो हमेशा जो है ना वो थकान सा महसूस करती है तो उसी की वजह से वो रेगुलरली स्कूल नहीं जा पाती है. सी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले. उसके पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वो खेल सके. ये सारी चीज़ें डॉक्टर रूता रश्मि के बारे में जानती है रश्मि के साथ बात करके. फूड द डे वुड बी गुड फॉर हर इफ सी गेट अ लिटल राइस एंड 1 रोटी टू ईट ड्यूरिंग द डे. तो जो फूड जो खाते हैं ना, जो खुराक जो खाते हैं ना, वो रश्मि का खुराक कैसा था, फूड्स कैसा था वो खाने का, तो एक रोटी खा लेना, थोड़े से राइस खा लेना, थोड़े से चावल या रोटी खा लेना, थोड़ी सी भी, एक भी रोटी, तो पूरा दिन तक उसको भूख ही नहीं लगती थी. तो ये पाया डॉक्टर रूता ने रश्मि के साथ बात करके. नाउ लेट्स टॉक रीड अबाउट जयेश. जयेश 7 ईयर ओल्ड. वो 7 साल का है. जयेश जो है ना वो 7 साल का है. ही लुक ओल्डर देन हिज एज. उनकी जो एज है ना वो छोटा है पर वो बहुत बड़ा सा लगता है. वो उसकी एज ज़्यादा होना ऐसा लग रहा है. हिज बॉडी इज फैट एंड फ्लैबी. उसकी जो बॉडी है ना वो फैट है, बहुत मोटा है और फ्लैबी है. फ्लैबी यानी कि लचीलापन है उसके शरीर के अंदर और फैट भी है. ही हैज पेन इन हिज लेग. उसके जो लेग्स है ना इसके पैरों में बहुत पेन होता है. ही इज नॉट वेरी एक्टिव. वो जो है ना वो बहुत एक्टिव नहीं है क्योंकि मोटापन होता है तो ज़्यादातर लोग थक जाते हैं ना, कुछ एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वो लेजी है, लेजी जैसा फील करते हैं क्योंकि मोटापन की वजह से कुछ काम भी नहीं कर पाते हैं. ही गोज़ टू स्कूल बाय
बस एंड स्पेंड मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी. वो स्कूल भी जाता है ना, तो बसेस में जाता है, ठीक है, स्कूल बस में जाता है, और ज़्यादातर समय वो टीवी देखने में ही बिताता है. क्यों? क्योंकि मोटेपन की वजह से वो कहीं खेलने के लिए जा भी नहीं पाता है. अगर जाए ना तो मोटेपन की वजह से वो थक भी जाता है, खेल भी नहीं पाता है. फूड्स, ही डज नॉट लाइक टू ईट फूड कुक्ड एट होम, होम मेड फूड्स लाइक अ दाल राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी. उनको जो घर पे बनाते हैं ना, दाल राइस, सब्जी, रोटी, वो सारी चीज़ें घर की बनाई गई हुई होती है ना, वो उनको उसको पसंद ही नहीं है, वो खाता ही नहीं है. द ओनली थिंग्स ही फाइंड टेस्टी आर चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट. उनको क्या पसंद है, जो बाहर की चीज़ें होती है ना, मार्केट में अवेलेबल रहती है, जैसे कि चिप्स होती है ना, बर्गर्स होते हैं, पिज़्ज़ा होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं सारे, वही चीज़ वो खाता रहता है. तो डॉक्टर रूता ने उन लोगों के साथ, जयस के साथ और रश्मि के साथ बात करके ये सारी चीज़ें उन्होंने जानी. डॉक्टर रूता मेजर द हाइट एंड वेट फॉर बोथ द चिल्ड्रन. तो डॉक्टर रूता ने मेजर किया उन दोनों का, जो वेट था, हाइट थी, वो दोनों का उन्होंने मेजर किया. देन सी टोल्ड देम, उसके बाद डॉक्टर रूता ने उन दोनों को बोला, रश्मि और जयेश से, देयर इज ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम्स. आप दोनों का जो है ना, वो एक ही प्रॉब्लम है, एक ही समस्या है, वो क्या है, बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट यानी कि हम जो रेगुलर जो खाते हैं ना, जो कुछ भी फूड्स, उसमें बैलेंस रखना, ठीक है. किसी दिन ज़्यादा खा लिया, किसी दिन कम खा लिया, पौष्टिक आहार हमें लेना है, तभी हमारा जो डाइट है ना, उसमें हमें बैलेंस मिलेगा. ज़्यादा मात्रा में बाहर का ना खाना, वो सारी चीज़ें होती है ना, उसको अवॉइड करनी होती है. बाहर की चीज़ें तो खाओ ही मत. अगर वो सारी चीज़ें आप खाते रहोगे, कुछ कम खाओगे तो रश्मि की तरह कैसे रहोगे, दुबले पतले रहोगे, टायर्ड फील करोगे, लेजी फील करोगे, कुछ एक्टिविटीज़ कर नहीं पाओगे, है ना, स्कूल रेगुलरली नहीं जा पाओगे. और अगर बहुत ज़्यादा खाते भी हो ना, तो बाहर का भी खाते हो ना, तो क्या करोगे, घर का खाना अच्छे से खा लो, बाहर का खाना अवॉइड ही करो. बाहर का खाना खाते हो तो आपको क्या होगा, मोटापन होता रहेगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टेस्ट, चिप्स, बर्गर्स वगैरह होते हैं ना, पिज्ज़ाज वगैरह, उसको तो खाना ही नहीं है हमें, बाहर की चीज़ें तो खानी ही नहीं है. ये सारा डाइट जो है ना, वो हमें क्या करना है, मेंटेन करके रखना है. अगर नहीं रखेंगे तो रश्मि और जयस की तरह क्या होगा, हमें उन लोगों की, दोनों की तरह ही काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा, ठीक है. नाउ डिस्कस, ये आपको डिस्कस करना है. सो लेट्स सी व्हाट इज दिस. फर्स्ट, व्हाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे. आपको क्या लगता है, रश्मि जो है ना, पूरे दिन में एक ही रोटी खाती है, तो आपको क्या लगता है उसके बारे में, वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है. तो एक रीज़न हो सकता है कि रश्मि फैमिली इज़ वेरी पुअर. यस और नो, रश्मि की फैमिली जो हो बहुत ही पुअर हो सकती है, गरीब हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों को खाने के लिए टाइम से मिलता ना हो कुछ. दे डू नॉट गेट इनफ टू ईट, उसके उसको खाने के लिए जितने चाहिए उतना ना मिलता हो, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है ना. दे डू नॉट गेट इनफ टू ईट. और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि रश्मि कैन ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे. अगर ये एक रीज़न हो भी सकता है, वो सारे पहले टू वाले रीज़न जो मैंने बताए, उसके अलावा उसको भूख ही नहीं लगती हो, है ना, और वो दिन में एक ही रोटी खाती हो, वो भी रीज़न हो ना. उसी की वजह से, ये दो रीज़न की वजह से रश्मि जो है ना, वो दिन में एक ही रोटी खाती है, ये रीज़न हो सकते हैं, है ना. अगर दूसरे आपको रीज़न्स लगे तो आप डिस्कस कर सकते हो. सेकेंड, डू यू थिंक जयेश वुड लाइक टू प्ले गेम्स. आपको क्या लगता है, जयेश को जो गेम है ना, वो खेलने की अच्छी लग रही होगी, क्या लगता है आपको उसके बारे में. तो जयेश जो है ना, वो ओल्ड एज का लग रहा था ना, छोटी एज थी तो फिर भी, तो जयेश लुक्स ओल्डर देन हिज एज. उसकी एज थी ना, उससे वो बड़ा लग रहा था. इस बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैबी, उसकी जो बॉडी है ना, पूरा शरीर था ना, वो कैसा फैट
फैट और फ्लैबी थी, लचीला शरीर था पूरा और फैट था, है ना। ही डज नॉट लाइक टू वॉक, वो चल नहीं पाता था। ही डज नॉट लाइक टू प्ले गेम बिकॉज ही इज़ वेरी लेजी, वो कैसा था, बहुत ही लेजी था, इसकी वजह से वो खेलना भी उसको पसंद नहीं था। पूरे दिन क्या करता रहता था, स्कूल में भी जाता था तो बस में जाता था, और दूसरा घर पे टीवी देखता रहता था। तो ही डोंट लाइक टू प्ले, यस नो, इस तरीके से आप डिस्कस कर सकते हो। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस्ड डाइट, अब बैलेंस्ड डाइट जो है ना उससे आपको क्या पता चला, क्या समझे हुआ, वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। एक चीज़ जो हमने जो कम्प्लीटली अगर हमने हम बैलेंस डाइट करते हैं ना कम्प्लीटली, तो फूड्स में जो न्यूट्रिशन होते हैं, जरूरी न्यूट्रिशंस होते हैं ना, वो कम्प्लीटली हमें उसके पोषक तत्व हमें उस फूड में से मिलते हैं जो हम खाते हैं, वो उसकी वजह से वो एक जरूरी होता है ना। उसके बाद उसको हम बैलेंस रखें ना, कुछ बैलेंस रखें, बैलेंस की मात्रा में ना ज़्यादा खाए ना कम, तो उसके जो पोषक तत्व होते हैं ना वो बहुत ही इफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी के ऊपर। सो आप इस तरीके से डिस्कस कर सकते हो, फूड फ्रॉम विच वी गेट द नेसेसरी न्यूट्रिशन सो दैट द बॉडी इज कम्प्लीटली न्यूरिश्ड, दैट फूड इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। ओके, नाउ लास्ट वन, व्हाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड जयेश इज नॉट प्रॉपर, आपको क्या कैसे लगता है कि जो रश्मि जो है ना, रश्मि और जयेश उसका जो फूड है ना वो प्रॉपर नहीं था, कैसे? तो पहले तो हम देखें रश्मि की जो फैमिली है पुअर हो सकती है, ऐसा हमने डिस्कस किया फर्स्ट में, है ना, उसको उन लोगों को खाने के लिए मिलता नहीं होगा, वो भी एक रीज़न में हो सकता है ना, इसकी वजह से रश्मि जो था ना वो दिन में एक ही रोटी खाती होगी। अगर जयेश को हम देखें तो जयेश ने जो घर का जो खाना था ना वो उसको पसंद नहीं था, इसके लिए वो बाहर की चीज़ें खाता था, ये सर नो, तो वो सारी चीज़ों से जो जितना मात्रा में खाना चाहिए, जितनी अगर ज़्यादा भी खा ले तो भी क्या होगा, उसकी साइड इफ़ेक्ट्स होगी ना, ये सुनो, जितने न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, फैमिलीज रश्मिज फैमिली इज़ पुअर, सो रश्मि डज नॉट इवन गेट इनफ टू ईट, सी गेट्स वेरी लेस फूड एज कम्पेयर टू व्हाट सी नीड्स, इसको जितने ज़रूरी होता है वो इतना खा नहीं पाती, इसकी वजह से उसको जितने इसके न्यूट्रिशन नहीं मिलते होंगे, इसकी वजह से उसका जो पूरी बॉडी है ना वो कैसी रहती है, उस बीमारी जैसी रहती है। जैसे कि जयेश जो है ना उसको, दूसरी तरफ जयेश को देखे, जयेश डज नॉट लाइक होम कुक्ड फूड, ऐसे ना घर का खाना उसको अच्छा नहीं लगता था। ही ईट्स थिंग्स लाइक अ चिप्स बर्गर पिज्ज़ा, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, वो सारी मार्केट की जो चीज़ें होती थी वो खाता रहता था। सो हिज फूड इज़ नॉट न्यूट्रिशन, दस द रश्मि एंड जयेश फूड इज़ नॉट प्रॉपर, इसी से हम कह सकते हैं कि रश्मि और जयेश का जो फूड्स था ना वो प्रॉपर नहीं था। तो इस वाले वीडियो पार्ट में हम यहीं तक लर्न करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर।